सब्सक्राइब करें बस स्टडी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइज, मैं निकल रहा हूँ, आप देख रहे हैं बस स्टडी टेक। गाइज, फोटोशॉप की एक और ट्रिक आज आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आपके पास इस तरीके की सपोज एक इमेज ओपन है जिसमें आप देख सकते हैं कि डार्क कॉम्प्लेक्शन नजर आ रहा है और इस तरीके से आप डार्क एंड लाइट कॉम्प्लेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं मात्र 4 स्टेप में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पर मेरे पास एक और इमेज है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इमेज अपने फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है इस तरीके से। सपोज ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। इससे पहले वाली जो इमेज थी वो मेरे पास लाइट कॉम्प्लेक्शन थी, इसको हमने डार्क कॉम्प्लेक्शन किया है। यहाँ पर एग्जांपल में आपको डार्क कॉम्प्लेक्शन को लाइट कॉम्प्लेक्शन में चेंज करना बताएंगे। तो यहाँ पर आपने जैसे ही इमेज इंसर्ट की, यहाँ पर आपके पास लेयर क्रिएट हो गए, बैकग्राउंड लेयर। आपको क्या करना है, सिलेक्ट में जाना है। सिलेक्ट में जाने के बाद कलर रेंज में जाना है। कलर रेंज में जाने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी कलर रेंज की। सिलेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्किन टोन्स, ठीक है। देन यहाँ पर डिटेक्ट फेसेस आपका यहाँ पे अनचेक होगा, आप इसको चेक कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रीव्यू नजर आ रहा है, फ्यूजीनेस यहाँ पर आपके सामने आ रही है। तो जो ब्लैक एरिया है आपका वो सिलेक्टेड नहीं रहेगा, जो व्हाइट एरिया है ऑटोमेटिकली फेस डिटेक्ट करके ये व्हाइट एरिया को सिलेक्ट कर रहा है, आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एरिया है, इमेज का एरिया है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है, ठीक है। अगर सिलेक्टेड नहीं आता है पूरी तरीके से, सपोज और कुछ एरिया भी सिलेक्टेड आ रहा होता है, तो आप यहाँ पे लासो टूल का या फिर सिलेक्शन टूल का यूज करके उसको प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल तरीके हैं कि आप जिस एरिया को आप कलर रेंज में लाना चाहते हैं, लाइट या फिर डार्क करना चाहते हैं, उसको आप मल्टीपल तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फेस डिटेक्शन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये इजी होता है, इजी फेस डिटेक्ट कर लेता है, अदरवाइज आप किसी भी टूल से डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपके पास नीचे एक ऑप्शन आएगा फिल लेयर का, क्रिएट अ न्यू फिल, इस पर आप क्लिक करेंगे। सैचुरेशन ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड सेट करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन पे सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट कर देंगे। सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाइए इस विंडो में, आप इसको डार्क करेंगे तो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, लाइट करेंगे तो लाइट हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो डार्क में हमने करी थी, हम इसको लाइट करते हैं, आप देख सकते हैं, और हमने इसको मिनिमाइज कर दिया इस तरीके से। पहले ये इमेज ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्शन उनका चेंज कर सकते हैं। कई जगह ये ट्रिक वर्क कर जाती है, कई जगह काम आ जाती है, सपोज मैगजीन डिजाइनिंग में या फिर आप अपना कुछ प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो उनमें, ठीक है। डार्क सेव कर दिया हमने और ओके कर दिया, तो डेस्कटॉप पे हमारी एक न्यू इमेज लाइट एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन से हमारे पास सेव हो गई है। आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।